हेलो एवरीवन वेलकम टू कौन स्टडी इस वीडियो में आई विल स्टार्ट ब्लड रिलेशंस टॉपिक बैंकिंग एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली थ्री क्वेश्चंस तक आ जाते हैं इसके और मेंस में अप टू तो पाँच भी आ सकते हैं समटाइम्स कुछ पजल्स आती है जो बेस्ड होती है ब्लड रिलेशंस पे सो डोंट टेक दिस टॉपिक लाइटली ये है तो ईजी और उतना ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक भी है लेट्स स्टार्ट और सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन रिलेशन्स और टर्म्स जो यूज़ होती हैं इन क्वेश्चन में आई होप ये टर्म्स तो आप सभी को पता ही होंगी जैसे ग्रैंड है तो जो आपके फादर्स फादर होंगे या मदर्स फादर उनको ग्रैंड उसी तरह से फादर या मदर के जो मदर होंगी वो ग्रैंड मदर वैसे ही हम देखें तो मदर या फादर के जो भाई होंगे ब्रदर होंगे वो होंगे आपके अंकल और उनकी अगर सिस्टर हैं तो वो आंट फिर अंकल या आंट के जो भी डॉटर होंगे या सन होंगे वो आपके कजन्स उसी तरह से अगर आपके ब्रदर के सन हैं या सिस्टर के सन तो वो नेफ्यू ब्रदर या सिस्टर की जो डॉटर होगी वो नीस उसी तरह ये कुछ इन लॉज वाले रिलेशन्स भी हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में जैसे कि वाइफ या हस्बैंड के फादर होंगे अगर तो वो फादर इन लॉ वाइफ या हस्बैंड की मदर जो होगी वो होगी मदर इन लॉ उसी तरह से अगर सन वाइफ है तो वो डॉटर इन लॉ डॉटर्स हजबेंड है तो वो सन इन लॉ वैसे ही हजबैंड या वाइफ के जो ब्रदर होंगे आपके वो ब्रदर इन लॉ होंगे हस्बैंड या वाइफ़ की जो सिस्टर होगी वो सिस्टर इन लॉ उसी तरह अगर आप देखो कि अगर आपकी सिस्टर है उनके हजबैंड है तो वो ब्रदर इन लॉ होंगे आपके वैसे ही आपके ब्रदर की जो वाइफ है वो आपके लिए सिस्टर इन लॉ सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक क्विक सा फैमिली ट्री बनाते हैं उसको बनाने के लिए वी यूज सम सिंबल्स जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं तो अगर कोई मेल मेंबर है उसके नाम के ऊपर एक प्लस का साइन बनाते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अगर ए के ऊपर प्लस का साइन बना यानी कि ए जो है वो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होगा जैसे ए के ऊपर प्लस साइन है वो मेल मेंबर हो गया बी के ऊपर माइनस का साइन बनाओगे तो वो फीमेल मेंबर ऑफ़ द फैमिली अगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करना है जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई को रिप्रेजेंट किया है तो सिंगल लाइन से किया है जैसे कि अगर ब्रदर ब्रदर का रिलेशन है या सिस्टर सिस्टर का या फिर ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन उसके लिए हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह अगर आपको जनरेशन गैप दिखाना है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इज़ द फादर ऑफ सी इस सेंटेंस को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है ए फादर है यानी ए जो है वो मेल मेंबर है तो प्लस का साइन भी बना दिया है हमने साथ ही एक वर्टिकल लाइन से हमने ए और सी को सेपरेट किया जिसे पता चलता है ए हमारी फादर वाली जनरेशन का है और सी जो है वो उनसे एक जनरेशन नीचे उसी तरह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताना है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल लाइन से बताया गया है सो so, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या जिसको स्पाउस बोलते हैं उसके लिए डबल लाइंस को हम ऐसे यूज़ करेंगे अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप इन नोटेशंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर वन है इसमें कुछ रिलेशंस गिवन है जैसे कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ डी साथ ही सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी इस तरह से कुछ रिलेशन्स गिवन है और एंड में पूछा गया है हाउ इज़ सी रिलेटेड टू ए तो इन क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं ए इज द ब्रदर ऑफ बी उसको हमने कैसे डायग्राम बनानी है ए और बी को सेम जेनरेशन में रख के ए के ऊपर प्लस का साइन क्योंकि ए इज़ द ब्रदर दिया है ए जो है वो भाई है वो मेल मेंबर है ये कन्फर्म्ड है इसीलिए प्लस का साइन बी का जेंडर अभी हमें नहीं पता है इसीलिए बी के ऊपर प्लस या माइनस कुछ नहीं लगाएंगे अब हम देखते हैं जैसे बी इज द सन ऑफ सी अब हमें पता चला कि बी का जो जेंडर था वो है मेल तो हमने बी के ऊपर एक प्लस का साइन लगा दिया साथ ही सी को उससे एक जनरेशन ऊपर वर्टिकल लाइन से लिख लिया बट अब हमें सी का जो जेंडर है वो नहीं पता कि सी मेल है या फीमेल उसके लिए हमें क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना है जहाँ लिखा है सी इज़ सिस्टर ऑफ डी अगर सी सिस्टर है यानी वो फीमेल है हमने उसके ऊपर एक माइनस का साइन लगा के सी और डी को एक ही सिंगल लाइन से सेपरेट करके लिख लिया क्योंकि वो दोनों सिबलिंग्स हैं अब हमें सी और ए का रिलेशन बताना है क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों ही ब्रदर्स हैं और बी की मदर सी थी इसीलिए ए की भी मदर सी होगी तो हमें पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए जब भी क्वेश्चन में हमें सी रिलेटेड टू ए कैसे है ये पूछा गया तो हमें उल्टा चलना है यानी कि ए से लेके सी तक जाना है अकॉर्डिंग टू आर डायग्राम तो हम ए से सी की तरफ जब देखते हैं ए की मदर जो है वो सी है इसीलिए जो हमारा आंसर है वो आएगा बी ऑप्शन मदर हाउ इज़ सी रिलेटेड टू ए सी इज़ द मदर ऑफ ए ये हमारा आंसर है अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुछ पी एंड क्यू आर सिस्टर्स गिवन है तो हम अपनी डायग्राम में पी और क्यू को सिंगल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट करके लिख लेंगे साथ ही हमें गिवन है कि पी एंड क्यू आर सिस्टर्स यानी वो दोनों ही बहने हैं सिस्टर सिस्टर रिलेशनशिप तो दोनों के ही ऊपर एक माइनस माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि इनका जेंडर हमें पता है अब हम फोकस करते हैं इस लाइन पे जहाँ लिखा है क्यूज ब्रदर इज दन ऑफ एस क्यू का जो ब्रदर है उसको मैंने एक ब्लैंक की तरह लिखा क्योंकि हमें नाम गिवन नहीं था और हम इस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे तो क्यू का जो ये ब्रदर है जो मैंने ब्लैंक से लिखा है ये किसका सन है एस का तो एस को हम एक जनरेशन ऊपर लिख देंगे इस एरो के थ्रू अब हमें गिवन था एस एंड टी आर ब्रदर्स इसीलिए एस के ऊपर प्लस का साइन आएगा और टी के ऊपर भी प्लस का साइन आएगा क्योंकि वो दोनों ही मेल मेंबर्स हैं और ब्रदर्स हैं इसीलिए सिंगल लाइन से इनको सेपरेट करके लिखा है अब हमें जो रिलेशन बताना है क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू पी टी और पी का जो रिलेशन हमें बताना है हमें अपनी डायग्राम में पी से होते हुए टी की तरफ जाना है जब हमें पी से होते हुए टी की ओर जाना है तो हम एक चीज देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो एस है एक मेल मेंबर हमारी फैमिली का यहाँ पर उसका एक सन है उसी सन की ये जो दो सिस्टर्स हैं, यानी ये तीनों ही भाई बहन है तो Q के भी फादर एस होंगे और P के भी फादर एस होंगे जब हमें पता चल गया कि P के फादर जो हैं वो S है और उनके ब्रदर हैं T। तो फादर्स ब्रदर ये रिलेशन जब देखेंगे तो वो क्या होते हैं हमारे अंकल थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमें बोला गया है A इज़ द ब्रदर ऑफ B। तो हमने A के ऊपर प्लस का साइन बना दिया और साथ ही लिख दिया उनको सिंगल लाइन से सेपरेट करके B के ऊपर प्लस का साइन क्यों बनाया क्योंकि अगली ही लाइन में लिखा था B इज द सन ऑफ C. B जो है वो C का सन है तो हमने उनको वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके लिख लिया और साथ ही B का जेंडर भी पता चल गया यहाँ से हमें अब हमें गिवन है D इज इज फादर C के भी फादर है D. यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे C का जेंडर हमें क्लियर नहीं है d का जेंडर क्योंकि d फादर है इसीलिए हमें प्लस साइन बनाना है अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ऑफ डी ए जो है वो डी का क्या लगता है इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ए और बी जो भाई हैं आपस में उनका पेरेंट मदर या फादर सी है ठीक है और मदर या फादर के जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर होते हैं बट हमें ये नहीं पूछा गया है हमें जो पूछा गया है वो है ए का रिलेशन क्या है डी से तो हमें डी से होते हुए ए की तरफ जाना है डी का सन या डॉटर है सी और उसका सन है ए जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो होगा ए जो है वो डी का ग्रैंड सन है अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं यहाँ पे हमें पूछा गया है ए इज द फादर ऑफ सी तो उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए का जेंडर गिवन है तो ए के ऊपर प्लस का साइन आ गया सी का जेंडर अभी नहीं पता तो उसके ऊपर हम कोई साइन नहीं रखेंगे अब हमें देखना है ए का ही कोई और रिलेशन गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में तो हम पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे ताकि क्वेश्चन की डायग्राम जो है वो जल्दी बन जाए ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ए ऑलरेडी हमें पता था मेल है ई e जो है वो ब्रदर है तो वो भी मेल होगा सी इज़ दिस्टर ऑफ डी तो हमें सी का जेंडर पता चल गया कि सी के ऊपर हमें फीमेल है तो माइनस का साइन लगाना है और साथ ही हमें गिवन था कि डी इज़ द सन ऑफ बी तो डी के ऊपर हम बी लिखेंगे सिंगल लाइन से सेपरेट करके और साथ ही जो डी है वो सन है यानी डी का जेंडर भी गिवन है हमें सिर्फ बी का जेंडर जो है वो नहीं पता अभी क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू ई तो सी और डी जो है वो सिबलिंग्स हैं और ए और बी जो है वो उनके पेरेंट्स हैं यानी कि ए और बी जो है वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ए का जेंडर ऑलरेडी हम जानते थे कि वो मेल है तो बी जो है वो वाइफ हो जाएगी अब हम बता सकते हैं बी और ई e का जो रिलेशन है वो हमें पूछा गया है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई तो हम ई e से होते हुए बी की ओर जाएं अगर तो देख सकते हैं ई e का ब्रदर ए और ब्रदर की जो वाइफ है बी तो ब्रदर की वाइफ होती है सिस्टर इन लॉ इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा सिस्टर इन लॉ हाउ इज बी रिलेटेड टू ई बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हमें गिवन है ए एंड बी आर ब्रदर्स तो हम उन्हें कुछ इस तरह से लिखते हैं दोनों के ऊपर प्लस साइन अब हम देखते हैं ए इज सन इज डी इज ब्रदर तो ए का सन कोई है जिसका नाम गिवन नहीं है बट हमें उसका जेंडर पता है तो हम प्लस साइन लगा देंगे और हमें साथ ही ये भी दिया है कि सी एंड डी आर सिस्टर्स तो डी का जेंडर भी पता चल गया डी के ऊपर भी माइनस का साइन अब हमें जो रिलेशन बताना है वो बताना है बी और सी का हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी अगर हम ध्यान से देखें ये जो ब्लैंक है जिसका हमें नाम नहीं पता उसकी सिस्टर डी और उसकी भी सिस्टर सी ये तीनों ही भाई बहन अगर हैं तो इन तीनों के ही फादर जो हैं वो ए होंगे और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी तो सी से होते हुए बी की ओर जाएं अगर अपनी डायग्राम में तो सी जो है उसके फादर हैं ए और ए के ब्रदर हैं बी तो फादर्स ब्रदर कौन होते हैं अंकल तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी अंकल यानी कि बी इज द अंकल ऑफ सी ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एम इज द फादर ऑफ ओ इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं एम के ऊपर प्लस साइन और उसके नीचे वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके ओ साथ ही हमें गिवन है एन इज द ब्रदर ऑफ एम तो उसको भी हम साथ में ही लिख लेंगे एन के ऊपर भी प्लस का साइन क्योंकि एन भी मेल है एम भी बट हमें अभी ओ का जो जेंडर है वो नहीं पता है सो so, क्वेश्चन को थोड़ा और रीड करते हैं यहाँ पर हमें गिवन है ओ इज द सिस्टर ऑफ पी तो ओ का जेंडर पता चल गया ओ के ऊपर माइनस साइन ओ हमारी फीमेल है क्योंकि वो सिस्टर है किसकी पी की तो साथ ही सिंगल लाइन से सेपरेट करके पी लिख लिया आगे हमें गिवन है कि पी इज द सन ऑफ क्यू पी का जेंडर भी पता चल गया कि मेल है क्योंकि वो क्यू का सन है तो पी के ऊपर भी प्लस का साइन और साथ ही ऊपर उसके क्यू अब यहां भी आप ध्यान से देखो कि ओ और जो पी है वो सिबलिंग्स हो गए ओ सिस्टर और पी ब्रदर अगर एम उनके फादर हैं और पी इज द सन ऑफ क्यू हमें गिवन है यानी क्यू भी वन ऑफ द पेरेंट्स है फादर एम है तो क्यू क्या हो जाएगी उनकी मदर तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो भी हस्बैंड वाइफ का होगा तो जिसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं अब जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो है हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू यहाँ पे भी हम अपनी डायग्राम में क्यू से होते हुए एन की ओर जाएंगे तो देखते हैं क्यू के हस्बैंड है एम क्योंकि ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है साथ ही एम के जो ब्रदर हैं सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करके हमने देखा एन थे तो हस्बैंड के जो ब्रदर होते हैं वो होते हैं ब्रदर इन लॉ तो हमारा आंसर होगा एन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ एन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू आई होप इन डायग्राम्स को यूज करके अगर आप ब्लड रिलेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इजीली सॉल्व हो रहे होंगे क्वेश्चन आपसे तो ये एक क्वेश्चन गिवन है जिसको आप खुद ट्राई कीजिए ऐसे ही डायग्राम बना के एंड आई ए यू उस डायग्राम के बेसिस पे ये जो दो क्वेश्चंस आपको गिवन है हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू बी हाउ इज़ बी रिलेटेड टू पी ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट्स में मुझे आंसर जरूर बताइए इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन रखे थे ताकि आप डायग्राम्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे एक लेवल अप ले के क्वेश्चन लेके आऊँगी और फिर हम वो भी ऐसे ही क्विकली सॉल्व कर लेंगे डैट सॉल्व फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग